ऑटोमोबाइल्स, आज हम आपकी जो गाड़ी फॉर रिव्यू के लिए लेके आए हैं वो है टोयोटा CHR और 1.8 हाइब्रिड की गाड़ी है, 2017 मॉडल और 2021 की फ्रेश इंपोर्ट है। गाड़ी फॉर सेल के लिए भी है, मैं आपको इसकी बायोग्राफी वगैरह आपको शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद इसका रिव्यू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको दिखाता चलूं तो आप देख लेंगे यहाँ पर आपको टोयोटा का जो है वो लोगो मिल रहा है क्रोम की लाइनिंग के साथ और बहुत ही स्टाइलिश साइज का आपको फ्रंट नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्व्स वगैरह आपको बहुत मिल रहा है, बम्पर वगैरह, फॉग लाइट्स आपको मिल रही हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं यहाँ पर आपको, फॉग लाइट्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर, और यहाँ पर आपको जो है वो एम्बिएंट लाइट्स वगैरह फ्रंट के लिए मिल रही हैं, DRL भी आप इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसकी लेटेस्ट जो है वो LED लाइट्स आपको मिलेंगी यहाँ पर। सो अब अगर इसकी टायर्स की बात करें तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि टायर्स आप इसके देख लें, 18 इंच के अलॉय रिम्स आपको मिल रहे हैं फैंस स्टाइल में, बहुत ही ज़बरदस्त अलॉय रिम है। और यहाँ पर देखें हाइब्रिड का आपको यहाँ पर लोगो नज़र आ रहा है। उसके साथ ही इस गाड़ी में गाइस ब्लैक कलर की कार है लेकिन इसमें क्रोम के लाइंस वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ हुई हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोम की बड़ी सी जो है वो आपकी लाइनिंग मिलेंगी यहाँ पर। सो यहाँ पर देखें तो आपको साइड व्यू ट्रैक व्यू मिरर मिलेगा जिसमें आपको LED लाइट भी मिलेगी। अब इसके आते हैं यहाँ से भी देखें तो आपको यहाँ पर बैक डोर ओपनर भी यहाँ पर मिलेगा। सो अब आते हैं इसके बैक प्रोफाइल की तरफ। बैक प्रोफाइल में आप देख लेंगे सबसे पहले बैक स्क्रीन वाइपर आप देख लें, इसके साथ यहाँ पर आपको हाई माउंटेड ब्रेक लाइट मिलेगी। अगर इसकी ब्रेक लाइट की बात करें तो LED ब्रेक लाइट है जिसमें आपको यहाँ पर रिवर्स लाइट और इंडिकेटर लाइट भी मिलेगी, वो भी LED में आपको मिल रही हैं। और उसके साथ अगर बम्पर में देखें तो कहें तो आपको यहाँ पर स्पोर्टी आपको इस तरह लगेगा कि मेडियोला किट वगैरह इंस्टॉल हुई है लेकिन इसके ओरिजिनल डिज़ाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिफ्लेक्टर्स वगैरह आपको मिल रहे हैं, सो ड्यूल एग्जॉस्टर आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, सो रिफ्लेक्टर्स वगैरह और बाकी सेंसर भी आप देख लें। बैक कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो क्या आप इसका ओपन करते हैं, ट्रंक और बूट स्पेस इसके आप देख लें कि बहुत ही ज़बरदस्त बूट स्पेस है जिसमें आपको यहाँ पर लाइट भी मिलेगी। उसके साथ ही नीचे देखते हैं तो आपको यहाँ पर टूल किट जो है बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगी। सो बाकी आप देख लें गाइस इस गाड़ी में बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बूट स्पेस है। सो अब जाते हैं गाइस इसके बैक सीट्स की तरफ। तो बैक सीट्स यहाँ से आप ओपन करेंगे, ओपन करके मैं आपको अगर इसकी सीट्स दिखा दूँ तो सोफ़ा सीटें हैं इसकी लेकिन लेदर में हैं, आपको मैं दिखा दूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त सी कुशनिंग इसकी की गई है। सो अब गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं गाइस, गाड़ी के अंदर एंटर होकर लेग स्पेस आप देख लें और हेड स्पेस देख लें, सो दोनों ही तकरीबन अच्छी हैं। तकरीबन 5'9" मेरी हाइट, 5'10" मेरी हाइट है, सो उस लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त आपको लेग स्पेस और हेड स्पेस मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको प्लास्टिक टाइप मटेरियल मिल रहा है, टोटली प्लास्टिक आपको मिलेगा लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का आपको मिल रहा है। यहाँ पर स्पीकर्स वगैरह आप देख लें, ऑटो विंडोज़ आप देख लें, कप होल्डर्स वगैरह आप देख लें। सो बैक के लिए आपको यहाँ पर एक लाइट भी मिलेगी वाइट कलर में LED लाइट और बहुत ही ज़बरदस्त गाइस सीट्स आप देख लें, इस तरह जिस तरह स्पोर्ट कार में आप बैठे हुए हैं, बहुत ही कर्व्स वगैरह आपको यहाँ पर मिलेंगे और बहुत ज़बरदस्त कुशनिंग वगैरह की गई है इनकी। सो सेंटर में बम्प जो बहुत ही माइनर सा दिया गया है आपको, सेंटर में पैसेंजर भी एक बैठ सकता है, 3 सीट बेल्ट आपको दी गई हैं। आप चलते हैं इसके फ्रंट पर, फ्रंट की लुक आप देख लें तो इस तरह की लुक आपको फ्रंट की मिलेंगी। सो अब चलते हैं गाड़ी इसके फ्रंट पर, गाड़ी के अंदर एंटर होने से पहले इसकी की दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं टोयोटा CHR और यहाँ पर आपको लॉक और अनलॉक का बटन भी मिलेगा। सो ये गाड़ी लॉक हो चुकी है और ये अनलॉक। सो गाइस बिल्कुल की जो है वो टोयोटा प्रियस से आपको मैच कर रही है, वो भी 1.8 CC थी, ये भी 1.8 CC है, सो की इसके साथ बिल्कुल मैच करती है। यहाँ पर आपको स्मार्ट एंट्री का एक यहाँ पर अलार्म भी दिया गया है। सो डोर ओपन करके बैठते हैं गाड़ी के अंदर। सो आपको बता दूँगी यहाँ पर आप सीट को आगे पीछे इलेक्ट्रिक तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पर हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, दिखाता हूँ चलो। तो यहाँ से आप इनको लाइन इंक्लाइन वगैरह भी कर सकते हैं। सो गाड़ी के अंदर बैठ के गए तब आपको दिखाऊँ इसका स्पीड मीटर वगैरह और गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले की को जो है वो हम यहाँ पर रख लेते हैं। सो पुश स्टार्ट बटन जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, दोबारा को करते हैं स्टार्ट। तो ये गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त स्पीडोमीटर आपको मिल रहा है। सो अब स्टार्ट होने के बाद मैं आपको इसके फीचर वगैरह भी सारे जो है वो डिस्कस करता हूँ। सो तमाम जो है वो ऑटो विंडोज है,
इस गाड़ी में आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो फील मिलेगा बैठकर। सो अब इसकी बात करते हैं फीचर्स की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आपको मिलेंगे। सो सबसे पहले एक विंडो हम ओपन कर लेते हैं, टिंटेड ग्लास हैं इसके बिल्कुल। अब बात करते हैं गाइस इंटीरियर की। तो आप यहाँ पे सबसे पहले पावर स्टीयरिंग देख लें, जिस पे मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आपको प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर साउंड वगैरह की सेटिंग और मोड वगैरह की सेटिंग्स वगैरह आपको मिलेंगी। यहाँ से आप जो है वो चेंज वगैरह जिस तरह भी करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको कॉल वगैरह की सेटिंग वगैरह दी गई हैं, एक्सेप्ट डिक्लाइन, और यहाँ पर देखें तो आपको ट्रिप वगैरह के बटन दिए गए हैं, ट्रिप स्पीडोमीटर आप इसका देख लें, और यहाँ पर आपको एक आरपीएम मीटर जिसे कहते हैं वो दिया जाता है इन हाइब्रिड कार्स में। यहाँ पर चार्जिंग मोड, इको मोड और पावर मोड। चार्जिंग पे आपकी बैटरी जो है वो बैटरी पे चलेगी, इको मोड पे इकॉनमी मोड यानी फ्यूल पे चलेगी, लेकिन साथ साथ बैटरी का भी उस पर थोड़ा सा हाथ होता है, आपको फ्यूल एवरेज अच्छी मिलेगी। पावर मोड में बिल्कुल जो है वो इंजन जो है वो पेट्रोल पर कन्वर्ट हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा जो है पिक वगैरह प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि फ्यूल का आपको गेज मिल रहा है, यहाँ पर फ्यूल का, यहाँ पर हीट का गेज मिल रहा है, यहाँ पर स्पीडोमीटर जिसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 180 आपको मिलेगी। सेंटर में गए तो आपको मिल रहा है LCD, जिसमें आपको स्पीड वगैरह शो होगी डिजिटल में, और उसके बाद आपको किलोमीटर वगैरह और ट्रिप वगैरह की सेटिंग मिलेगी। क्रूज़ कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल रहा है, और ये अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको रडार भी मिल रहा है। ये क्रूज़ कंट्रोल जो है वो अडेप्टिव है। उसी के साथ गए लैंड असिस्ट मोड वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखें तो ऑटो हेडलाइट्स और पार्किंग सेंसर्स का आपको बटन दिया गया है। यहाँ पर देखें गए तो ऑल विंडो पावर हैं, सेंटर लॉकिंग आपको यहाँ पर मिलेगी, उसके बाद मिरर्स वगैरह की एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मिलेगी। बाकी गए हम यहाँ पर देखें तो पियानो ब्लैक कलर की जिसिंग वगैरह की गई है टोटली इंटीरियर में, और लेदर की स्टिचिंग बहुत से ज़बरदस्त स्टाइल में की गई है। एयर बैग्स की बात करें तो मुझे तकरीबन 6 एयर बैग इसमें अभी तक मिले हैं, जिसमें एक आपको स्टेयरिंग में, एक डैशबोर्ड पर, दो जो है वो फ्रंट पिलर्स में, और दो बैक पिलर्स जो हैं उनमें आपको SRS एयर बैग प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर अब आते हैं इसके सेंटर कंसोल में, आपको देखें तो पियानो ब्लैक कलर की यूजिंग की गई है, जो चलती चलती यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम और AC को भी आपको कवर करती है। डिजिटल आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिल रहा है AC के लिए, और ड्यूल का आपको बटन दिया गया है, उसके बाद इको, हीट और कूल, और उसके बाद हीटेड सीट्स के आपको ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर फ्रंट दोनों सीट्स जो हैं वो हीटेड हैं। अब AC को ऑन करते हैं, तो ऑटो पर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, अभी मैं इसे सेट करता हूँ। आप देख सकते हैं, अब अगर ड्यूअल का बटन दबाता हूँ तो देखने के दोनों जो है वो टेम्परेचर वगैरह अपना अलग अलग पे सेट कर सकते हैं, ड्यूअल पे भी कर सकते हैं। ऑफ और फ्रंट डिफोकर, रियर डिफोकर और हीटेड सीट्स भी आपको मैंने बता दिए। अब इसे आप ऑफ भी इस तरह से कर सकेंगे। अब मैं आपको गाइस दिखाऊँ इसका बहुत ही ज़बरदस्त फीचर, जो कि होंडा टोयोटा प्रीस में भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो ये है कि इसके जो ये रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, साइड व्यू मिरर्स, इन पे आपको यहाँ पर इंडिकेशन दी जाती है जब कोई गाड़ी वगैरह आपके आपको क्रॉस करने लगती है या ओवरटेक करने लगती है। ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। पार्किंग सेंसर भी आपको इसमें मिलेंगे, और उसके बाद ये फीचर भी आपको मिलेगा। गाइस ब्राउन कलर की आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर लेदर मिरर है, जो कि पूरे डैशबोर्ड के साथ कवर किया है, ऊपर वाले हिस्से को, अगला हिस्सा जो है वो ब्लैक है। बाकी गाइस AC वेंट्स फ्रंट पर 4 आपको दी गई हैं। उसके बाद अगर गियर की बात करें तो आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइवर, उसके बाद B का आपको मोड दिया गया है, और बाकी गाइस यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको दी गई है, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, EV मोड और ब्रेक होल्ड का बटन दिया गया है। जब आप ब्रेक प्रेस करके रखते हैं तो गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाती है, जब आप ब्रेक रिलीज़ करते हैं तो गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। इसका इससे आपकी फ्यूल की अच्छी खासी बचत भी हो जाती है, क्योंकि गाड़ी हाइब्रिड, तो इसमें ये तमाम फीचर को मद्देनजर रखा गया है। अब यहाँ पर देखें तो आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, जिसमें आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट भी प्रोवाइड की गई है। ये ज़बरदस्त फीचर है। अब इसको क्लोज करें तो ये भी लेदर स्टिचिंग के साथ, लेदर की यूजिंग के साथ आपको मिला हुआ है। अब आते हैं इसके इंजन की तरफ, इंजन का आपको थोड़ा सा दिखाता चलूँ। यहाँ से ओपन करते हैं, तो अब इंजन की तरफ आते हैं। अब बोनट ओपन करके मैं आपको दिखाता चलूँ इसका इंजन। आप देख सकते हैं कि टोयोटा का 4 सिलेंडर इंजन है, और बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन है इसकी, टोटली जो है वो जापान से 2021 की फ्रेश इम्पोर्ट है। आप कंडीशन वगैरह इसके देख लें, हाइब्रिड की बैटरी वगैरह भी देख लें। सब आते हैं इसकी प्राइस की तरफ, तो इसकी प्राइस है 52 लाख रुपीज़, और ये आपको गुजरांवाला अजवा मोटर से ये गाड़ी अवेलेबल है। 52 लाख इसकी प्राइस है। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह भी दे दूँगा, आप इनसे रब्ता भी कर सकेंगे।
इसी के साथ मुझे मोहम्मद अवैस की इजाज़त दीजिए, मुझे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट भी हमें करते रहिएगा इसके बारे में। अल्लाह हाफिज़।